झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान राज्य के विधि व्यवस्था को कायम रखना, नक्सली अभियान, अवैध माइनिंग, अवैध बालू कारोबार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा तथा जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रशासन की प्रशंसा की। वहीं बैठक के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने समीक्षा बैठक को लेकर कहा, देखिए राजधानी की विधि व्यवस्था तो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। दिन दहाड़े हत्या, रेप, फिरौती के लिए अपहरण, ये तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं और पुलिस तमाम साधन रहने के बाद भी मौका वारदात पर नहीं पहुंच पाती। अभी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में गोलीबारी की घटना हुई थी, वहाँ पर दरोगा नहीं दिखे, थानेदार नहीं दिखे, उनका बॉडीगार्ड आया मौका वारदात पर, जबकि ये कहानी रुक सकती थी क्योंकि पुलिस एक बार पहले भी उस बार में हंगामे के बाद आकर जा चुकी थी। तो हमारा मानना है कि जब मुख्यमंत्री रिव्यू करें तो गाज गिरे उन अफसरों पर जो नॉन परफॉर्मिंग है, पर जिस राज्य में थाने बिकते हैं पैसे लेकर ऐसा हो ये संभव नहीं दिखता। देखिए एक व्यवसायी का अपहरण होता है ये तो खबर बन गई, लेकिन 4 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए और जिनका अपहरण हुआ था उनको सकुशल बरामद कर लिया गया, उससे भी बड़ी खबर है, उसे दिखलाना चाहिए। इससे हौसला बढ़ता है पुलिस अफसरों का। अभी वर्तमान में जो भी सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, पुलिस कप्तान हैं या तमाम थानेदार हैं, इन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्राइम रेट कम हुआ है, क्राइम होते भी हैं तो उनका उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। ये अंतर है पहले पूर्ववर्ती सरकार जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी उससे तुलना कीजिएगा तो, इसलिए इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अपराधी हैं तो पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे। देखिए आचार संहिता लगने के पहले सरकार ने जो विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया था, और आचार संहिता के बाद हम कौन सा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और जो हमने धरातल पर उतारा है वो योजना कहाँ तक क्रियान्वयन में आया है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार काफ़ी संजीदा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री विभाग बार समीक्षा कर रहे हैं। राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्थिति हो गई है, कल एक व्यवसायी का। देखिए हमारी सरकार में अगर अपराध हुए हैं तो अविलंब उस अपराध पर, अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करने का भी काम किया है। और कल की जो घटना है आप देखें, हम बधाई देना चाहते हैं कोतवाली थाना प्रभारी को कि जिन्होंने अपनी तत्परता को दिखाते हुए तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके और अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने का काम किया है। तो सरकार अपराध के प्रति काफ़ी संजीदा है, प्रशासन काफ़ी संवेदनशील है।